लगा, टिकट नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, कोरोना के डॉक्टर वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं BN24 और आपके साथ मैं हूं दीपक कोपड़ा। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए वैक्सीन के टीके लगाने गई डॉक्टर की एक टीम को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। जैसे ही डॉक्टर की टीम असन के गांव जयसिंहपुरा पहुंची तो एकाएक ग्रामीण एकत्रित हो गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों का गुस्सा देख डॉक्टर की टीम को वहां से बिना टीके लगाए ही वापिस लौटना पड़ा। क्या है पूरा मामला आप स्वयं देखें। मैं आपके गांव में आया हूं, मैं आपसे मदद मांग लेता हूं, मदद कर दो डॉक्टर साहब। सोबत तक एक बात है, मतलब कहने का भाव क्या है, यहाँ नहीं कैंप लगने देंगे? नहीं लगाएं, आपकी बात मान ली मैंने, हम नहीं लगाएंगे यहाँ कैंप पर। एक मदद तो दे सकते हो, ये मदद दे दो भाई, जो आपके गांव के जो बुजुर्ग जिनके पास कोई साधन नहीं है और वो हमारे पास आके टिकट लगवाना चाहते हैं। सुनो मेरी बात सुनो, जब तक ये आंदोलन चलेगा इस सरकार का किसी भी काम में हम कोई सहयोग नहीं करेंगे। ये हमारा असहयोग आंदोलन है, इसमें हम कोई सहयोग नहीं करेंगे। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मैं उस चीज के लिए मना नहीं करा कि आप जो भी आप करना चाहते हो किसानियों के नाते आप अपना जो करो फर्ज निभाओ, मैं उसके लिए आपको मना नहीं कर रहा। पर इसमें इतना सहयोग दे दो जिसके पास कोई साधन नहीं और जो बेचारा यहाँ से वहाँ सबके पास आज किस घर में मोटरसाइकिल है, कितने दूर है? 2 किलोमीटर है, बुड्ढे ठहरे उपरांत चैल गाँव गए से वो तो सब बिक जाएंगे। डॉक्टर साहब किस गांव में एक भी आदमी का टिक्का नहीं लगने देंगे? कहां से नहीं लगन वाला टिक्का लगवाना है तो असन जाके टिक्का लगवाए, किसी को टिक्का लगवाना गांव में कोई किसी आदमी को नहीं लगवाने देंगे। सीधी बात है, जोड़ के टीम आओ यूनिट डॉक्टर साहब ऐसा कोई जरूरी है भाई बुजुर्गों को इंजेक्शन लगाना जरूरी है? आप मैंने क्या कहा, आप एक घंटा समझाओ, आधा घंटा समझाओ, रिपोर्ट यही है हम गांव में किसी आदमी को टीका नहीं लगवाने देंगे। कच्चर सरकार मोदी सरकार किसान एकता। हाँ जी, आपका नाम क्या जी? रघुवीर सिंह। हाँ जी, आप जो विरोध कर रहे हैं आज, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि टीके से कोई नुकसान नहीं है? बिल्कुल नुकसान है जी, बिल्कुल पूरा पूरा नुकसान है। बुढ़े तो मान ले उठ दे नहीं खाट में, इतना टीका है तो हम नहीं लगवाने देंगे। जैसे में किसी ने भी नहीं लगवाने देंगे, हम अस्पताल में बैसक ला के बढ़ने। हमारे गांव में एक आंगनवाड़ी की औरत है, उसको टीका लगवाया था एक महीना वो कहती है मैं अपने घर पे बैठ के रोई हूँ और उसके बाद मैंने अपना प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाया है। इस टीके के तो इतने दुष्परिणाम है कि आप पूछो मत। विश्वास किसी को विश्वास नहीं। मोदी सरकार ने लाखों नौजवानों के तो पहले किडनी कटवा के बेच दी, लाखों नौजवानों की किडनी कटवा के बेच दी, फिर वो चक्कर सरकार का जी। ये सरकार डिवाइड एंड रूल कर रहा है, वोट डालो राज करो। हाँ जी, आपके गांव में इंजेक्ट वैक्सीनेशन होना था, क्यों विरोध कर रहे हैं आप, क्या कारण है? देखिए जी, सुबह मेरे को पता लगा कि गांव जयसिंहपुरा में कोरोना के डॉक्टर आने लग रहे, हम इसलिए नहीं लगने दे रहा। कल मैंने एक वीडियो देखी थी, आज से 4-5 दिन पहले बिजना गांव है वहाँ ये डॉक्टर टीका लगा के आए थे। एक औरत को टीका लगाते ही सारे शरीर में कंपकंपी शुरू होगी और वो 3 दिन बुरी तरह भुगत के मरी है। और जब उसके घर वाले हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टरों से पूछते हैं, तो डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं होता। उस परिवार पे जो बीती है उसको देखते हुए और हमें कई जगह और पता लग गया है, इस टीके का बड़ा ही दुष्परिणाम है। इसके टीके लगने से किसी को एलर्जी हो जाती है, किसी को लकवा हो जाता है, कोई 15 दिन में मरता है, कोई महीने में मरता है, कोई 6 महीने में मरता है। इसलिए गांव जयसिंहपुरा में गांव में हम डॉक्टरों को नहीं घुसने देंगे और किसी को भी टीका नहीं लगने। अगर किसी को टीका लगवाना है तो हॉस्पिटल कोई जरूरी दूर नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में जाओ अपना टीका लगवाओ। तो आप सीधा सीधा वैक्सीनेशन पे सवाल उठा रहे हैं कि वैक्सीन जो बनाई गई है वो गलत है? वो वैक्सीन बिल्कुल गलत है, इस देश को खत्म करने के लिए ये वैक्सीन बनाई है। जो हमारे 60 साल से बुजुर्ग है वो तो वैसे ही मरे पड़े हैं और ये टीका लग दे तो 5-4 दिन काट देंगे, में बचने का कोई खाना है को नहीं। आप टीका लगाने हैं नहीं, बंगाल में लगाओ, बंगाल में कहाँ करोना।
असम में कहां कोरोना, ये हरियाणा पंजाब में कहते कोरोना। ये आंदोलन को खत्म करने के लिए इस सरकार की चाल है, कुछ टिक्का तो मर जाएंगे, कुछ तो मर लियो, लेकिन हम इस देश को खत्म नहीं होने देंगे। ये देश की दूसरी लड़ाई है, इस देश को हम जिंदा रखेंगे। टीका, लेकिन जो विरोध किया जा रहा है, जो टीकाकरण है ये तो बीमारी से बचाव के लिए लगाया जा रहा है। अब हम अपने बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाते हैं, DPT के टीके भी लगवाते हैं, तो इसी प्रकार जितने भी टीके होते हैं वो टीके जो हैं वो जनता की भलाई के लिए बनाए गए हैं। अब अक्सर होता क्या है कि जैसे हम असंध में टीकाकरण कर रहे हैं हफ्ते में 4 दिन, सोमवार, मंगलवार, वीरवार और शुक्रवार, लेकिन वहाँ पे सभी बुजुर्ग आ नहीं सकते। तो अब हमने ये किया है कि जो जिस गांव में सब सेंटर है हमारे, उन गांव में सब सेंटरों में हम अपनी टीम भेज के, ताकि जो बुजुर्ग एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके, उनको हम नज़दीक से नज़दीक ये सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें साथ में हमारी एक टीम आती है जो दवाई भी लेके आती है, साथ में डॉक्टर भी होता है, और उसमें हम उनको वहीं के वहीं टीका लगवा सकें। तो उसी के तहत हमने पिछले सोमवार को राड़ा गांव में टीकाकरण करवाया था, तो वहाँ 129 लोगों ने टीका लगवाया, और पीछे वीरवार के दिन हमने बिलोना गांव में टीके लगवाए, तो वहाँ भी 70 से ज़्यादा लोगों ने टीका लगवाया बुजुर्गों ने। तो हमारी उसी मुहिम के तहत ये अगला प्रोग्राम आज का यहाँ गाँव जयसिंहपुरा में था, लेकिन यहाँ जो है किसान यूनियन के विरोध के चलते ये टीकाकरण का कार्यक्रम आज यहाँ। जो आपकी आशा वर्कर से जो टीम भी होती है, क्या घर घर में जाके समझाते नहीं है कि उनको यदि समझाया जाता है तो लोग अपने आप ही हफ्ते निकल कर? देखो, अब विरोध का जो है ना कोई मेरे हिसाब से इलाज नहीं होता। हमने आशा वर्करों की टीम की ड्यूटी लगा रखी है, और आज का ये प्रोग्राम जो था उनको ये बोला गया था कि यहाँ टीकाकरण होगा सुबह 9 बजे से लेकर और 5 बजे तक। सर, विरोध का कारण क्या रहा है, क्या क्यों विरोध कर रहे हैं? ये तो इनको पता होगा विरोध के बारे में, तो ये बताएंगे क्यों विरोध कर रहे हैं। ये तो इन लोगों के भलाई के लिए लग रहा है टीकाकरण। तो अभी क्या आपका एक्शन है फिर? अभी आपका एक्शन क्या है इसके बाद? हमारा तो नहीं है, नहीं लगाने देंगे तो वापस जाएंगे। हम पसंद में तो लगा ही रहे हैं, जो बुजुर्ग इस गांव को आना चाहेगा, मेरी तरफ से ये संदेश है कि वो वहाँ पे आगे टीकाकरण करवाए।